सब्सक्राइब कीजिए सुपर शिवानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवानी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुपर शिवानी। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी एक फेवरेट रेसिपी जो कि है पनीर पकौड़ा। पनीर पकौड़ा खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है, आप इसे कभी भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इस पनीर पकौड़े को बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। पनीर पकौड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, जिन्हें मैंने ऐसे कट कर लिया है, ये देखिए। इसके बीच में हमें स्टफिंग भरना है। एक कप लिया है बेसन, 2 टेबलस्पून लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मैंने यहाँ पर पनीर की स्टफिंग के लिए येलो चटनी ली है, यानी कि मोमो चटनी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर टोमेटो सॉस लिया है पनीर की स्टफिंग के लिए। 2 ग्रीन चिलीज ली हैं जिन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1/2 छोटी चम्मच, अजवाइन लिया है 1/2 छोटी चम्मच, कसूरी मेथी ली है 1/2 छोटी चम्मच, चाट मसाला लिया है 1/2 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर लिया है 1/2 छोटी चम्मच, नमक लिया है 1 छोटी चम्मच। आप अपने अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं। अब हम पनीर की स्टफिंग करेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मैं टोमेटो सॉस फिल कर रही हूँ। इसी तरह से बाकी भी स्टफ कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने सभी पनीर के पीसेस को स्टफ कर लिया है। अब हम एक बड़ा बोल लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे बेसन, इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिलीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक ऐड करेंगे, कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अब हम डालेंगे अजवैन, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी और मिक्स करेंगे, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। हमारा बैटर अब तैयार हो गया है, इसे हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम गैस पर तेल गरम कर लेते हैं। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें सभी पनीर के पीसेस को इसमें डिप करेंगे। इस तरह से फिर हम इस ऑयल में डालेंगे। इसी तरह से बाकी सारे भी डिप करेंगे। अब हम इन्हें पलट देंगे। हमारे पनीर पकौड़े तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें किचन टॉवल में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। इन्हें दूसरे साइड से भी पका लेंगे। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। इस दौरान हमारी गैस फ्लेम मीडियम ही रहेगी। हमारे पनीर पकौड़े अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। हमारे पनीर पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे कभी भी बनाकर सर्व कर सकते हैं और हमें ज़रूर बताइए कि आपके पकौड़े कैसे बने हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल सुपर शिवानी को सब्सक्राइब करें और अपनी फेवरेट रेसिपी देखने के लिए वीडियो लिंक्स पर क्लिक करें।